Hello everyone, I'm Neha and welcome back to my channel. So in this video, we will discuss about UGC NET Psychology Unit 1 की बात कर रहे थे, Emergence of Psychology, और जिसमें हमने Eastern System को स्टार्ट किया था और मैंने सूफिज़म जो टॉपिक है उसकी वीडियो अपलोड की है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये भी बताया है, आप ज़रूर देखना। इसके अलावा भी मैंने कुछ पॉइंट्स या टॉपिक कवर किए हैं, जैसे थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है, इससे भी रिलेटेड काफ़ी आते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक मैंने कवर किया है थ्योरीज ऑफ इमोशंस, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो बुद्धिज्म को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बुद्धा का, बुद्धा का मतलब होता है अविकल मन, मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो लाइफ की कितनी भी जो अज्ञानता है कि नींद है, उन सबको छोड़कर, ठीक है, जो रियलिटी है उसको फेस करता है, ठीक है, जो लाइफ में फॉल्स किए हैं, जो मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है, उन सारी चीज़ों से वो फ्री हो जाता है। ठीक है, अगर आपने गौतम बुद्ध का जो बचपन की स्टोरी थी, चाइल्डहुड स्टोरी, सिद्धार्थ, उनकी स्टोरीज अगर पढ़ी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से उन्होंने एनलाइटमेंट अचीव की। ठीक है, तो अब बुद्धिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। बेसिकली जो बुद्धिज्म है उन्होंने निर्वाणा की बात की थी, हाँ, कि हम किस तरीके से निर्वाणा को अचीव कर सकते हैं। अब निर्वाणा का जो हिंदी में मतलब है मीन्स कि मोक्ष, हम किस तरीके से मोक्ष पा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ उन्होंने पाथ बताए थे। तो बेसिकली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जो बुद्धिज्म होते हैं ना, बुद्धिज्म, इनकी जो लैंग्वेज है वो पाली है, जो भी स्क्रिप्चर्स इनके लिखे गए हैं वो सारी पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और इन्होंने रिजेक्ट किया है मेटाफिजिकल एनर्जी को। मेटाफिजिकल एनर्जी मतलब कि इन्होंने कहा कि सोल नहीं है। ठीक है, जैसे आपने बुद्धिज्म से पहले हिंदुइज्म था, वैदिक पीरियड था, तो उस ड्यूरेशन में हम आत्मा को बहुत मानते थे कि शरीर मर जाता है बट आत्मा जीवित रहती है। बट बुद्धिज्म ने इस पॉइंट को रिजेक्ट किया, इन्होंने कहा कि कोई सोल नहीं होता है, नो सोल। ठीक है, और इन्होंने रीबर्थ की बात की, और नो सोल को इन्होंने कहा अनात्ता। ठीक है, अगर प्रोनंसिएशन में कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो जो नो सोल था उनको अनंता बोला इन्होंने, एंड इसी के साथ साथ इन्होंने रिसाइकल, रीबर्थ की बात की। ठीक है, और प्रैक्टिकल लाइफ को टीच कराया, एथिकल कंसर्न एंड मोरल वैल्यूज को इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, जो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे और पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली जो बुद्धिज्म है इज अ प्रोफाउंड फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल है, जो कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था अराउंड द 6th century BCE, और आपको पता ही है कि ये जो सेंटर्ड है ऑन द टीचिंग ऑफ सिद्धार्थ गौतम, जो कि बहुत अच्छे से जाने जाते हैं गौतम बुद्ध के नाम से, जो फोकस करते हैं ऑन द नेचर ऑफ सफरिंग, की जो हमारा दुख है लाइफ का वो किस तरीके से आता है। ठीक है, और किस तरीके से हम उससे आजाद हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं कुछ पाथ को फॉलो करके। ठीक है, तो अब कोर बिलीव्स इनके क्या थे। कोर बिलीव्स थे कि द 4 noble truths इन्होंने दिए थे कि हम किस तरीके से अपने जो दुख है, सफरिंग है, उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, द 4 noble truths, इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। पहला इन्होंने दिया था कि सबकी लाइफ में दुख है। ठीक है, सभी लोग सफर कर रहे हैं। ये दुख का कारण क्या है, सफरिंग अराइजेस फ्रॉम क्रेविंग एंड अटैचमेंट। क्रेविंग का मतलब जो पाली लैंग्वेज में है उसको कहते हैं तन्हा। ठीक है, एंड ये आता है क्वेश्चन में, और इसको मतलब कि इसका है कि डिजायर, जो भी हमारी सफरिंग है वो हमारी डिजायर और अटैचमेंट के थ्रू, अटैचमेंट मतलब कि अपने लव वन से, ठीक है, अपनी फैमिली से, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उनसे जो अटैचमेंट होता है उसकी वजह से भी हमें दुख होता है। ठीक है, तो इस दुख को हम किस तरीके से
एंड कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सफरिंग कैन बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग क्रेविंग एंड अटैचमेंट। जो भी हमारा अटैचमेंट है अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है हमारी, जो भी हमारी फैमिली उनसे जो रिलेशनशिप है, अटैचमेंट है, उससे हमें एलिमिनेट करना होगा। जो हमारी डिजायर है उसको भी एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, अब सफरिंग को एलिमिनेट, इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हमें एट फोल्ड पाथ को फॉलो करना होगा। ठीक है, द पाथ ऑफ एंडिंग सफरिंग, जिसकी वजह से हमारा जो सफरिंग है, जो दुख है, वो एंड हो सकता है। तो जो एट फोल्ड पाथ दिए थे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली उसमें क्या था कि प्रैक्टिकली गाइड किया गया था कि हम किस तरीके से सफरिंग से लिब्रेशन, मतलब फ्री हो जाएं, और एकम्पशिंग एथिकल कंडक्ट, मीन कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे उन्होंने, कुछ एथिकल कि किस तरीके से आप उसको फॉलो करें तो आप अचीव कर सकते हैं एनलाइटमेंट को। ठीक है, एंड उन्होंने बताया कि मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके से आप करें, एंड विजडम को किस तरीके से अचीव करें कि आप एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हैं। अब कर्मा एंड रिबर्थ की बात करें, तो मैंने जैसे बताया कि इन्होंने रिबर्थ पे बहुत ज्यादा फोकस किया था। उन्होंने कहा आत्मा, आत्मा कुछ नहीं होती है, हम शरीर मर जाने के बाद हमारा दोबारा से जन्म होता है। ठीक है, तो इनका ये कहना था, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपका रीबर्थ उसी पे डिपेंड होगा। इनके कहने का मतलब है यही था कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड द सम ऑफ वंस एक्शन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ फ्यूचर लाइफ। ठीक है, निर्वाणा की बात की कि हमारा जो अल्टीमेट गोल होता है बुद्धिज्म का, वो कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग होता है एंड द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ठीक है, जो भी हम ये नोबेल ट्रुथ, फोर नोबेल ट्रुथ को फॉलो कर रहे हैं, एट फोल्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा लिब्रेशन फ्रॉम सफरिंग है और एक रीबर्थ का साइकिल है कि आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपका दोबारा से जन्म होगा। ठीक है, तो द अनलाइट एट फोल्ड पाथ क्या था, जो हमें गाइड करता है, अ गाइड टू लिब्रेशन। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने एट स्टेप दिए थे जो कि थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड। तो जो जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसको विजडम या प्रार्थना कहते हैं, जिसमें दो पाथ इन्होंने दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पाथ इन्होंने कहा राइट रिव्यू, किस तरीके से हम अंडरस्टैंडिंग करें, जो अपनी अभी हमने फोर नोबल ट्रुथ की बात की, उसको हम समझें। ठीक है, और रियलिटी पे फोकस करें। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि जो अवेकिन वन थे, जो कि एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते थे, उनका क्या था मेन फोकस, कि वो रियलिटी को समझ चुके थे कि एक्चुअली में लाइफ होती क्या है, रियलिटी होती क्या है। जो भी हम अपनी डिजायर है, जो भी अटैचमेंट है, अगर उस पर फोकस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें दुख मिलेगा, बट अगर हम रियलिटी को जान लें तो हमें निर्वाणा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सॉरी, राइट इंटेंशंस होनी चाहिए। राइट इंटेंशंस मतलब कि हम कल्टीवेट करें अपनी गुड थॉट और गुडविल, कंपैशन मीन्स कि काइंडनेस। ठीक है, एंड हार्मलेसनेस, हम किसी को भी दुख ना पहुंचाएं इंटेंशनली। ठीक है, राइट इंटेंशन होना चाहिए हर किसी के लिए। ओके, अब इन्होंने सेकेंड कैटेगरी में दिया एथिकल कंडक्ट, मतलब कि कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ रूल्स दिए कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, और उसको पाली लैंग्वेज में सीला कहा इन्होंने। राइट स्पीच मतलब कि जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही हार्श वर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गॉसिप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी के लिए हार्मफुल हो, अवॉइडिंग हार्मफुल स्पीच। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फोर्थ पाथ की। उन्होंने बताया कि राइट एक्शन। ठीक है, कि मैंने जैसे अभी बताया था आपको कि आप जिस तरीके से एक्शन लेंगे उसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, जन्म होगा, रीबर्थ होगा। ठीक है, पुनर्जन्म होगा। तो इन्होंने कहा कि हम हार्मफुल एक्शंस ना लें। ठीक है, जैसे कि किलिंग, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इन सब कामों को ना करें। ठीक है, जिससे अगर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हैं। अब फिफ्थ की बात करें, राइट लाइवलीहुड मीन्स कि हम जो भी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए जो भी काम करते हैं वो किसी को हार्मफुल करके नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम सिंपल लैंग्वेज कहूँ, अगर जो भी आप अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसी को हार्म ना करें। ठीक है,
एंगेजिंग इन वर्क दैट डज नॉट हार्म अदर्स, जैसे कि अवॉइडिंग प्रोफेशंस इन्वॉल्विंग वेपन्स, एल्कोहल और एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गएंगे। अब थर्ड कैटेगरी में इन्होंने 3 पॉइंट्स रखे थे, मतलब 3 पाथ रखे थे, जो कि सिक्स्थ पाथ है। मेंटल डिसिप्लिन का आता है इन्होंने थर्ड कैटेगरी को, और इसको समाधि कहते हैं। ठीक है, तो राइट एफर्ट्स की मतलब कि जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं वो कल्टिवेट करें आपके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को। ठीक है, प्रिवेंटिंग नेगेटिव वंस, ओके, जो भी एक्शंस की बात कर रहे हैं हम, स्पीच की बात कर रहे हैं, ये सारे एफर्ट आपके पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को कल्टिवेट करने के लिए किया जा रहा है। तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को डेवलप करें। ठीक है, अब सेवेंथ आते हैं, जो कि अब इस ओके सेवेंथ आते हैं, राइट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की एक वीडियो मैंने अपलोड की है जो कि एग्जाम में आता भी है। इसका मतलब मैंने आपको बेसिकली मेडिटेशन कहा था, बताया था। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको पता है कि मेडिटेशन का क्या फायदा होता है, बीइंग फुल्ली प्रेजेंट एंड अवेयर वंस थॉट्स, फीलिंग्स एंड बॉडीली सेंसेशंस। ठीक है, अब लास्ट एंड एट्थ जो पाथ है इनका, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा डेवलप होता है डीप कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही बहुत डीप डेवलप होता है और मेडिटेटिव स्टेट्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये पाथ था आपको क्लियर हो गए होंगे कि इन पाथ के थ्रू हम एनलाइटमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो हॉलिस्टिक अप्रोच है बुद्धिज्म, और जो 8 एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की। जैसे कि हम अगर माइंडफुलनेस की बात करें तो वो हमें अवेयर करते हैं रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी, राइट व्यू, कि किस तरीके से हमें अपने वर्ल्ड को, अपने आप को लेना चाहिए। ठीक है, इंसाइट करना चाहिए, डीपर इंसाइट्स किस तरीके से करना चाहिए। और एथिकल कंडक्ट जो क्रिएट्स करते हैं कि हमारा मेंटल डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, जो समाधि है वो हम किस तरीके से अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है जो प्रोग्रेस करती है एक एरिया में। सपोर्ट प्रोग्रेस इन अदर्स की मतलब दूसरों की हेल्प करो आप, और एक पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी ये बुद्धिज्म है, अप्रोच है। तो इसके की प्रैक्टिस क्या क्या थे? फर्स्ट है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। सेकंड है एथिक्स, जो पाथ हमने बात की, ये किसी को हार्म ना पहुंचाना, दूसरों के लिए काम करना, ठीक है, दूसरों की हेल्प करना, ये एथिक्स बताए इन्होंने। विजडम, विजडम मीन्स की जो भी हमारी नेचर ऑफ रियलिटी है उसको डेवलप करना। ठीक है, एंड जो दुख का कारण है उसको जानना। ठीक है, ये विजडम में बताया गया। तो मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म भी दिया था बुद्धिज्म ने, जो वेरियस स्कूल्स ओवर सेंचुरी, आज भी कुछ स्कूल्स हैं। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं। फर्स्ट है थेरावाडा। थेरावाडा जो है ये द स्कूल ऑफ एल्डर्स माना जाता है। तो एल्डर्स क्योंकि ये सबसे पहला स्कूल है। ठीक है, और हिनाया मतलब कि जो थेरावाडा है इसका मतलब है हिनायना। ओके, मीन्स की द लेसर व्हीकल। यहाँ पे व्हीकल मतलब नॉर्मल व्हीकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये मतलब है कि जो ये स्कूल है ये हमें क्या करता है, हमें स्टेट ऑफ अवेकिंग मीन्स की अलाइटमेंट, जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं ये स्कूल जो होते हैं। तो ये सबसे ट्रेडिशनल फिलोसफी से रिलेटेड था। ठीक है, और इसमें सिर्फ मॉन्क्स जा सकते थे। ऑर्डिनरी लाइफ जो गिव अप कर देता था वही अटेन कर सकता था निर्वाणा को। विपासना मेडिटेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, जो कि हमें मोक्ष को अचीव करने में, या फिर हम कहें निर्वाणा को अचीव करने में हेल्प करता था। और इसमें बोला गया था कि मस्ट बी बॉर्न मैनी टाइम्स टू अटेन निर्वाणा। अगर आप निर्वाणा को अचीव कर लेते हैं तो आपका रीबर्थ हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम्स आपका रीबर्थ हो सकता है। ओके,
अब एनलाइटमेंट को अचीव करने के लिए इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए थे। एनलाइटमेंट मतलब बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व इन्होंने बताया था कि अगर आपको बोधिसत्व बनना है, निर्वाणा को अचीव करना है, तो उसके लिए इन्होंने 4 स्टेप बताए थे। तो अब हम उस स्टेप्स को हम देख लेते हैं। सो पहला इन्होंने बताया था सूत पना, ठीक है, सूत पना को एग्जाम में जिस मीनिंग से आता है इंग्लिश में, द स्ट्रीम एंटर, द स्ट्रीम एंटर का मतलब है कि जो बोधिसत्व फॉर निर्वाणा, मतलब कि एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए, निर्वाणा को, निर्वाणा के लिए जो बुद्धिस्ट में एंटर करता है वो सोतपन्ना होता है, द स्ट्रीम एंटर, ठीक है। सेकंड इन्होंने स्टेप बताया सकार गामी, सकार गामी को इन्होंने बताया द वंस रिटर्नर, मतलब कि जो सेकंड स्टेप में होते थे बोधिसत्व, वो हाफ बोधिसत्व होते थे, मतलब पार्शियल एनलाइटमेंट पर्सन होते थे, और ये फर्स्ट थ्री चेन से कट ऑफ कर देते, जैसे कि आत्मन, ठीक है, सेल्फ के लिए कुछ ना करना, दूसरों की भलाई करना, इस पे ज्यादा फोकस होता था, ठीक है। जो अटैचमेंट थे रिचुअल से, फैमिली से, उन सब से कट ऑफ कर लेना, और जो मोरल डाउट्स थे उसको बिल्कुल क्लियर कर लेना, कि आपको जो एथिकल हमने अभी 8 फोल्ड पाथ्स में डिस्कस किया उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, ठीक है। तो ये सेकेंड पार्ट में होता था। थर्ड पार्ट इन्होंने बताया अनागामी, अनागामी में इन्होंने बताया द नेवर रिटर्नर, द नेवर रिटर्नर में मतलब ये कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिजायर, जो भी इलविल हैं या फिर जो बिटरनेस हैं उनसे बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और प्रॉपर क्या हो जाते हैं, बोधिसत्व बन जाते हैं। एंड देन अगर हम बोधिसत्व बन गए, एनलाइटमेंट अचीव कर ली इन्होंने, तो आप क्या करेंगे, लास्ट जो स्टेप होता है अरहंत, अरहंत मतलब कि आप निर्वाणा को अचीव कर लिया आपने, ठीक है, निर्वाणा और मोक्ष। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये मेजर पॉइंट्स थे थेरावाड़ा के। अब सेकंड हम आते हैं महायाना, ठीक है। महायाना जो मिडिल स्कूल था बुद्धिज्म का वो है। अब इसमें क्या था, इसमें था, इसको द ग्रेट व्हीकल के नाम से जाना जाता था, क्योंकि द ग्रेट व्हीकल इसलिए था कि ये मोटिवेशन था कल्टिवेट करने का, लव एंड कंपेशन इक्वली फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जैसा अभी मैंने फर्स्ट में बताया कि सिर्फ मॉन्क या फिर जो ऑर्डिनरी लाइफ से गिवअप कर देते हैं, सिर्फ वही बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बुद्धिस्ट बन सकते हैं। लेकिन महायाना में क्या था कि कोई भी जाकर जो बुद्धिज्म है उसको एक्सेप्ट कर सकता है, एनलाइटमेंट को अचीव कर सकता है, इसीलिए इसको द ग्रेट व्हीकल कहा गया। मिडिल पाथ है जैसा कि मैंने बताया, और मध्यामी कावड़ा भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और ये कलेक्टिविस्टिक अप्रोच था, फ्लेक्सिबल था, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए ये था कि अटेन कर सकता है निर्वाणा। कलेक्टिविस्टिक अप्रोच मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस मिडिल पाथ में ही इस जो बुद्धिज्म बुद्ध हैं उनकी मूर्ति पूजा होने लगी थी। पहले थेरावाड़ा जो थे वो बिल्कुल प्योर बुद्ध थे, बुद्ध का स्कूल था, गौतम बुद्ध का स्कूल था। उसमें ये था कि वो आइडियल, मतलब कि जो स्टैचू पूजा नहीं की जाएगी, बट मीडिया जो मिडिल पाथ था उसमें स्टार्ट हो गया था। एंड मल्टीपल लाइफ इन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने बताया कि थेरावाड़ा में सिर्फ 4 रीबर्थ की बात की गई थी, बट जो मिडिल पाथ था इसमें, या मिडिल स्कूल था, इसमें मल्टीपल लाइफ या रीबर्थ साइकिल की बात की गई थी, और इसका जो की था वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन था। थर्ड है वज्रयाना, वज्रयाना एक, वज्रयाना से आपको पता चल रहा होगा, वज्र एक वेपन की तरह नाम है इसका। क्यों कहा जाता है इसको, द डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है और थंडर बोल्ट व्हीकल भी कहा जाता है,
ठीक है, तो वज्रयान लिटरली जो ट्रांसलेट किया गया है मीनिंग उसका, द डायमंड व्हीकल और थंडर बोल्ट व्हीकल भी कहा गया है। इसे इसलिए कहा जाता है कि जो वज्र है वो एक तरीके से वेपन का काम करता है और अनब्रेकेबल है। ठीक है, जो वज्र होता है वो अनब्रेकेबल है लाइक अ डायमंड, या फिर एक्सट्रीमली पावरफुल है लाइक अ थंडर। ठीक है, जो बिजली होती है। ओके, तो इसमें क्या था कि हर एक पर्सन अलाउड था, ठीक है, अपनी जो माइंड क्वालिटी को डेवलप करने के लिए विदाउट आइसोलेटिंग देमसेल्फ फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को आइसोलेट करके बुद्धिज्म या फिर एनलाइटमेंट को अचीव करने की जरूरत नहीं थी, आप ऑर्डिनरी लाइफ के साथ साथ भी उनको फॉलो कर सकते थे, जैसे कि तिब्बतियन बुद्धिज्म होते हैं। ठीक है, एंड इसको थंडरबोल्ट व्हीकल एंड डायमंड व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बुद्धा की पूजा होती है। ठीक है, मोक्ष जो है निर्वाणा कैन बी अटेन्ड इन अ सिंगल लाइफ, हम सिंगल लाइफ में इसको अटेन कर सकते हैं, मल्टीपल रिबर्थ की बात नहीं की गई। सुपर नेचुरल पावर्स की बात की गई जो कि हम अचीव कर सकते हैं मंत्रास एंड तंत्रास के थ्रू। तांत्रिक प्रैक्टिस की गई इसमें, रैपिड पाथ ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, जो मंत्र वगैरह हैं आज भी आप अगर जाते होंगे तो वहां पे मंत्रास जो हैं वो चलते हैं, तो उन्हीं की बात की गई थी। ठीक है, वज्रयान। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस अपलोड करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।